सब्सक्राइब करें एडमायर ब्यूटी चैनल को और बराबर में है घंटी का आइकन, उसे दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी और मैं हूं अंजलि। फ्रेंड्स, आपकी जब स्किन ग्लोइंग एंड रेडिएंट दिखती है तो आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है और हर वीमेन का ख्वाब होती है ये ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन। लेकिन ऐसा रह कहाँ पाता है? जब आप हार्श एनवायरमेंट में जाते हो, सन रेज आपके फेस पर पड़ती हैं, या फिर बहुत बड़ा फैक्टर है पॉल्यूशन, उसकी वजह से आपकी स्किन हो जाती है बिल्कुल डैमेज और ख़राब। ऐसे में ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अपनी स्किन के लिए एक अच्छा सा सलोन में जाके स्पा लें या फिर कोई फेशियल क्लीनअप कोई ऐसा लें जो कि आपके स्किन को रेजुविनेट भी करता है और उस पर ग्लो भी लाता है, तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका लग जाता है और काफ़ी सारे आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ लेकर आई हूँ। अगर आप आज की वीडियो पूरी देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपके स्किन को ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनाएगी। बहुत कम रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि इतना जल्दी इफेक्ट देती हैं। ये आज की रेमेडी उन रेमेडीज में से एक है, तो टॉप पर आने वाली है बॉस, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जो रेमेडी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, ये आप यूज़ करेंगे तो आपको वही ग्लो मिलेगा जो कि हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद, सलोन में टाइम पूरा लगाने के बाद आप लोग पाते हैं, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसे फॉलो करना है जैसे कि मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि बाद में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, जबकि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपना भी टाइम बचाइए और मेरा भी टाइम बचाइए, तो वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे हुए। आपका खर्चा मैं बचा रही हूँ, आपका टाइम मैं बचा रही हूँ और रिजल्ट दूंगी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। और डेफिनेटली आपको इस वाली जो रेमेडी है इससे 7 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपने आइस क्यूब के बारे में तो सुना ही होगा, आइस क्यूब के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्लेन आइस क्यूब्स रब करने के लिए अपने फेस पर नहीं कहने वाली हूँ। मैंने इस आइस क्यूब के साथ एक ऐसी रेमेडी कंबाइन करके बनाई है जो कि आपकी स्किन को बहुत ग्लो देगी, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और कहीं पर भी आपके पिगमेंटेशन है फेस पर, दाग धब्बे हैं, वो सब रिमूव करेगी। इवन एक्ने भी ये रेमेडी रिमूव करेगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। गर्मी चल रही है, ये वाली रेमेडी जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये रेमेडी आपको कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है, फाइन चॉप कर लीजिएगा, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर ले लिया है खीरा, आधा खीरा है ये, और अगर आप पूरा लोगे तो मीडियम साइज़ का खीरा लेना। यहाँ पर एक छोटा सा आलू लिया है मैंने, जिसे पील कर चॉप कर लिया है। अभी यहाँ पर ले रहे हैं हम एक लेमन का जूस। मैंने लेमन स्क्वीज करके बीज निकाल कर एकदम छान कर निकाल लिया है लेमन जूस। और ये मैंने ले लिया है यहाँ पर डाबर हनी। आप हनी कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट प्योर होना चाहिए। तो चलो रेमेडी बनाना अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको लेना है एक ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे। ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ, रेसिपी नहीं है फ्रेंड्स, ये वाकई में बहुत ही कमाल की रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और सबसे पहले अगर हम टोमेटो की बात करें ना, तो टोमेटो आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, ब्लैक हेड्स भी रिमूव करता है और ऑयल कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब हनी मिला दिया है। तो चलो अभी हम जल्दी से इसे ग्राइंड कर लाते हैं और मैं इस रेमेडी के साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी बताती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक आइस ट्रे, क्योंकि इसी के अंदर हमें इसे जमाना है, इसकी आइस क्यूब्स हमें तैयार करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट लिया है ना, इसे डाल देंगे इस ट्रे के अंदर। तो हम कहाँ पर थे, टोमेटो की मैं बात कर रही थी। टोमेटो में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर जो कि फ्लॉलेस स्किन आपको देता है। हमने इसके अंदर आलू मिलाए हैं जो कि एक
इसमें ऐसा एंजाइम होता है जिसका यही काम होता है स्किन को ब्राइट करने का, तो बहुत काम आता है। डार्क सर्कल आपके रिमूव होते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट मिलते हैं इससे आपको। कुकुम्बर हमने इसके अंदर मिला दिया है जिसमें कि आपको विटामिन सी मिल जाता है, कैफिक एसिड मिल जाता है जो कि स्किन की इरिटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और जिनकी भी स्किन सैग हो गई है, लटकने लग गई है, उसको टाइट करने में भी ये बहुत हेल्प करता है और आपके सन बर्न्स को भी ट्रीट करता है। हनी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, और इसमें नेचुरल सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं जो कि हील करते हैं आपके स्किन को और डैमेज स्किन को भी नरिश करते हैं, और आपके जितने भी स्कार्स हैं उनको फेड करने में बहुत हेल्प करता है। अगर कहीं पर स्कार्स हैं ना, तो आप वैसे भी डेली हनी अप्लाई करके देखना, आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, आइस क्यूब तैयार करेंगे। तो इसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, आप इसे शाम को बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिएगा और सुबह ये रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये रही हमारी आइस क्यूब। पूरी रात मैंने इसको जमा लिया था और अभी ये तैयार हो गई है अप्लाई करने के लिए, और ये आइस क्यूब्स अब मैं निकाल लूँगी। आपको ज़्यादा आइस क्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइस क्यूब पर डे आपको लेनी है। तो ये देखिए, एक आइस क्यूब मैंने निकाल ली है, अब मैं इसे अपने फेस पर रब करना स्टार्ट करूँगी। इस आइस क्यूब को आपको मसाज करते हुए अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, जिससे कि इसके सारे इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन को मिल जाने वाले हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको डायरेक्ट आइस अपनी स्किन पर नहीं लगानी है, वरना वो आपको परेशान कर सकती है। और जो इसकी खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी सी आती है, इसमें कोई किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है, और काफ़ी रिफ्रेश सा लगेगा जब आप अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करेंगे। तो मैं कहाँ थी, मैं बात कर रही थी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। आप लोगों को बिल्कुल भी इसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, किसी कॉटन के कपड़े में या फिर मखमल के कपड़े में आप इसे ले सकते हैं और अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसे अप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो आपको अपने ओपन पोर्स जो हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आने वाला है, बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। और आप देखो किस तरीके से जितना भी हमने इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले थे ना, वो आपके फेस पर अप्लाई हो जाते हैं, आपके ओपन पोर्स के अंदर तक जाते हैं, ब्राइटन अप करते हैं स्किन को, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। और आपको ये रेमेडी बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप वैसे बनाकर रख दोगे फ्रिज में और डेली अप्लाई करना चाहोगे तो उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आइस क्यूब के ज़रिए आप इस रेमेडी को जमा देंगे आपने फ्रीजर से, तो ये जो रेमेडी है आपको जितने उसके अंदर आइस क्यूब हैं उतने दिन चल जाएगी, यानी कि 10 से 12 दिन मैं आराम से इसे यूज़ करती हूँ और इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप अपनी स्किन के लिए क्या कर रहे हो, तो फ्रेंड्स दिस इज़ द सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी है, आपके पिंपल्स को भी हटा देगी, उनके निशानों को भी हटा देगी, और जो पिंपल बढ़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन पर, एक के बाद एक निकलते चले जाते। अगर ये आइस क्यूब्स आप डेली अप्लाई कर लोगे ना अपनी स्किन पर, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, आपके पिंपल ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी आपकी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स जब ये आइस क्यूब बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद का प्रोसीजर ये है कि आपको सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपकी स्किन की क्लीनिंग हो जाए और अंदर तक ये सारे इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट हो जाए स्किन में, जिससे कि आपकी स्किन, देखो अभी मैंने आइस क्यूब अप्लाई करी है और उसके बाद से ही स्किन इतनी बढ़िया सी नज़र आने लग गई है, बहुत सॉफ्ट सी हो गई है। तो आपको बस इतना ही करना है कि एक मिनट के लिए और इसे अपनी स्किन पर मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। फ्रेंड्स इससे आपके रिंकल्स, फाइन लाइन सब रिमूव हो सकते हैं, इतनी दमदार रेमेडी है ये। जिनको भी लेमन से प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसिटिव स्किन है, वो लेमन स्किप करें। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कई बार आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और फिर आपको रेमेडी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा पाते। तो लेमन हमने इसके अंदर मिलाया है, उसके अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो कि स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन करने में हेल्प करता है, और इसे हमने आइस क्यूब के ज़रिए लगाया है, जिससे कि आप इसे अच्छे से स्टोर भी कर पाएंगे और जब आपकी मर्ज़ी हो। वैसे तो आपको डेली अप्लाई करना है इसे, फेस वॉश करने के बाद तुरंत आप इस रेमेडी को अप्लाई करें आइस क्यूब से, आपको लगानी है आइस क्यूब। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लेमन डालते हो तो बिल्कुल भी धूप में मत जाना। तो फ्रेंड्स ये मैंने रेमेडी अप्लाई कर ली है और 5 मिनट हम अपनी स्किन पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद नॉर्मल वाटर से हम इसे वॉश कर लेंगे।
इस रेमेडी के जो मेन फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये स्किन पर ग्लोइंग एंड रेडिएंट निखार सा लाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, इन्फ्लेमेशन आपकी हटाती है, और जितने भी आपकी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, ज़्यादातर मतलब 80% प्रॉब्लम जैसे कि ओपन पोर्स हो गए, आपके अंडर आई बैग्स हो गए, उन्हें भी रिड्यूस करेगी, और आपकी जो स्किन है उसको यंगर लुक देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना इजी है इस रेमेडी को बनाना और एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे करना जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। डेफिनेटली आपको ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन मिलने वाली है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। फॉलो करना, रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। एक चीज़ और, जो भी स्किन टाइप है आपकी, नॉर्मल है या ड्राई है या ऑयली है, आप इसे बिल्कुल यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें से लेमन को बिल्कुल स्किप कर देना। तभी बोलती हूँ वीडियो हमेशा पूरी देखा करो, वरना नुकसान हो सकता है। सेंसिटिव स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव बन सकती है लेमन के यूज़ से। और आपकी कोई भी स्किन है, अगर आप ये रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो आप फेस वॉश के बाद इसे अप्लाई करें, लेकिन आपको सन रेज में बाहर नहीं जाना है। अगर जाते हो तो लेमन को स्किप करना, क्योंकि वो और सेंसिटिव बनाती है स्किन को। या फिर आप शाम के वक्त भी फेस वॉश करके इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको धूप में जाना ही जाना है और आपको अच्छी सी स्किन भी चाहिए, तो आप शाम के टाइम जबकि सनलाइट आपके ऊपर ना पड़े ऐसे वक्त में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसको एज इट इज़ आप फॉलो करो, 7 डेज ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद 7 डेज बाद ही आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं इस रेमेडी के, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। इसके जो रिजल्ट हैं कमाल के हैं। इससे आपकी स्किन में ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा, ग्लोइंग बनेगी, रेडिएंट बनेगी, डिसकलरेशन खत्म होगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है, जाओ और जल्दी से इस आसान सी रेमेडी को अप्लाई करो। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन।